हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो BA पार्ट सेकंड का पॉलिटिकल साइंस का एक पेपर है, जो कि कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअल पेपर है। देख लेते हैं इसे। ये आगरा यूनिवर्सिटी का है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा यूनिवर्सिटी का पेपर है। इसे हम डिस्कस करेंगे और पूरा वीडियो सुनिए, एंड तक देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आपको मिल सकती है एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए यूजफुल रहेगी और आपका कितना स्कोर है एग्जामिनेशन में उसे भी डिस्कस करेगी। तो चलिए चलते हैं अपनी आंसर शीट की ओर। तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ कौन संचालन करता है? इसका आंसर होगा ए। ए आंसर होगा सर्वोच्च न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश इसे कहेंगे। ओके, चलिए, अमेरिकी संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक शक्तियों को स्थापित करता है? ये होता है आर्टिकल ए। इसका आंसर ए होगा। एंड आप देखेंगे ब्रिटिश सर्वोच्च न्यायालय में जजों की जो संख्या है वो है आपकी 12। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय में जजों की जो संख्या है वो है 12। देखिए, ये अमेरिकी है और ब्रिटिश है, ठीक है। ब्रिटिश की बात करेंगे तो ब्रिटिश में 9 है, बच्चे ने उल्टा किया है। ब्रिटिश में अमेरिकी में 9 लगाया है और उसने उल्टा कर दिया है। बट यहाँ पर यूएसए में जो 9 है और ब्रिटिश में जो है वो 12 है। ओके, चलिए, प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? वो होता है 2 ईयर्स। अमेरिकी के सीनेटर के सदस्य हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? न्यूनतम आयु कितनी होती है उस पर बात करेंगे। देखिए, इस पर जो वो होती है 30 ईयर। कितना? 30 ईयर। चलिए, इसका जो आंसर है वो सी होगा। आप मैच करिएगा, मैं फास्ट लगा रहा हूँ क्योंकि टाइम उतना है नहीं जितना के आपको एंगेज किया जाए। तो मैं फास्टली आपके आंसर्स के टिक कर दे रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा आपका स्कोर कितना बन रहा है, ठीक है। देखिए, इसका सी बी होगा इसका आंसर। ओके, इसका ए होगा, इसका सी होगा, इसका बी होगा। एट फ्रांस के द्वितीय गणतंत्र की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1848 में। ओके, यहाँ पर ए होगा 1870 से 1990। इसका बी आंसर होगा, बी 7 अक्टूबर 22 का बी होगा। और 23 का आपका ए होगा, 23 का ए होगा, 24 का सी, 25 का ए, 25 का ए, 26 का बी, 27 का ए, 28 देखेंगे, 28 का सी, 29 देखेंगे, 29 ड्रॉप किया है, वैसे इसमें बी होगा आंसर। 30 का जो है आपका आंसर ए होगा, 31 बी, 32 का सी, 33 का आप आंसर देखेंगे ए होगा, 34 का आप आंसर देखेंगे सी होगा, 35 का आप आंसर देखेंगे ए होगा, 35 का आंसर होगा ए, 36 का आप आंसर देखेंगे सी होगा, 37 का आंसर देखेंगे बी, 38 का आंसर देखेंगे ए, 39 का आंसर देखेंगे सी, 40 का आंसर देखेंगे सी, 41 का आंसर देखेंगे सी, 42 का आंसर देखेंगे डी, 43 का आंसर देखेंगे ए, 44 का आंसर देखेंगे बी। ओके, 45 का आंसर होगा डी, 46 का आंसर होगा सी, 47 का आंसर होगा डी, 48 का आंसर होगा डी, 49 का आंसर होगा डी, 50 का आंसर होगा बी, 51 का आंसर होगा सी, 52 का आंसर होगा सी, 53 का आंसर होगा डी, 54 का आंसर होगा सी, 55 का आंसर होगा बी, 56 का आंसर होगा ए, 57 का आंसर होगा सी, 58 का जो आंसर है वो ए डी, 59 का आंसर है ए, 60 का आंसर है सी, 61 का आंसर है ए, 62 का आंसर है बी, 63 का आंसर है आपका यूके, 64 का आंसर है सी, 65 का आंसर है बी, 66 का आंसर है बी, 67 का आंसर है ए, 68 का आंसर है बी, 69 का आंसर है सी, 70 का आंसर है सी, 71 का आंसर है डी, 72 का आंसर है सी बी, 73 का आंसर है सी, 74 का आंसर है सी,
75 का आंसर है डी, 76 का आंसर है ए, 77 का आंसर है सी, 78 का आंसर है डी, 79 का आंसर है सी, और ये 80 डाउटेबल है, 81 का डी, 82 ब्रेक है, 83 ब्रेक है, 84 का सी, 85 का ए, 86 का सी, 87 का डी, 88 का डी, 89 का हाउस ऑफ कॉमन, 90 का ए, 91 का बी, 92 का सी, 93 का बी, और 94 डाउटेबल था, ड्रॉप किया है, 95 का सी, 96 का ए, 97 का सी, 98 का ए, और 99 का ए, एंड 100 का आंसर आपका ड्रॉप किया है। वैसे इसका जो है दोनों सदस्यों द्वारा नहीं होगा, ये होगा राष्ट्रपति चुनाव के साथ, जिसमें राष्ट्रपति की का चुनाव भी होता है। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चंस। इस तरीके से आप अपने बीए का स्कोर चेक कर सकते हैं, पार्ट सेकंड, और जो कि कॉम्परेटिव गवर्नमेंट का आपका एग्जाम था, इस एग्जाम पेपर को पूरा चेक कर सकते हैं कितना स्कोर आपका बना है। कमेंट करके आप हमें बताइए कि कितना स्कोर बना है, और इसी तरीके के कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर की वॉचिंग।